लेनी गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुन साहब आज कहाँ जा रहे हैं हम? यार आज हमने जाना है दो तीन दोस्तों से मिलना है, उस काम पे जाना है, थोड़ी शॉपिंग करनी है। सही है। तो ये है हमारी खूबसूरत मोटर जिसके बारे में लोगों को परेशान थी कि दुबई में क्या चला रहे हैं। खूबसूरत साफ लाइटें, क्या बात, साफ टायर, और आपको डिग्गी देख के पाकिस्तान याद आ जाएगा। सफाई देखें, गाड़ी की हालत देखें। यार आप हंस रहे हैं यार मेरी गाड़ी पे, ये देखें जो वहाँ पे काम होता है, जम स्टार्टर, बैटरी वायर सब कुछ इधर भी मौजूद था। भाई साहब क्या बात है, मतलब सारा कुछ लेके घूम रहे हैं। हाँ तो अंदर से भी दिखाते हैं। तो जितनी पॉसिबल इसकी इंजन चेक लाइट है वो सारी ऑन है, मीटर टूटा हुआ है। ये हमारे एक भाई हैं जो कि यूज़ कर रहे थे दफ्तर के लिए, और उन्होंने जिसकी हालत की हुई आपको दिखाते हैं। ओह माशाल्लाह, ये देखें सारी लाइटें ऑन रहेंगी। तो हमारे रेंटा कार चलती है ना, वो चली हुई है लगता है। अंदर से बिल्कुल पाकिस्तानी क्रोला जैसी है, सनरूफ वाली है, क्लाइमेट कंट्रोल है, बाहर से डिग्गी और बोनट जो है इसका फ़र्क है। पहले जब भी दुबई आते थे ना तो बड़ा सुना था जी लग्जरी गाड़ी रेंट करनी होती है, बट उसका इतना लंबा प्रोसेस होता है कि हाथों पैरों के अंगूठे लगाओ और वहाँ जाओ, सिक्योरिटी दो, ये करो वो करो। तो एक वेबसाइट का मुझे पता लगा, इजी हायर के नाम से वेबसाइट है, और उनका क्या बेहतरीन मॉडल था, गाड़ी आपके पास डिलीवर हो रही है 20 मिनट के अंदर। ऐप के थ्रू मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको डाल दिए और कहीं भी मुझे जाना नहीं पड़ा, कोई लंबे अप्रूवल, कोई आपको जो है ना डिपॉजिट वगैरह नहीं देना पड़ा। एंड विद इन 30 मिनट्स मेरी मर्जी की गाड़ी जो है ना वो पूरे सिलेक्शन प्लान के साथ, कि इसमें इंश्योरेंस इतने की है, गाड़ी इतनी की है, 30 मिनट्स के अंदर गाड़ी जो है मेरे डोरस्टेप पे थी। और आए आपको गाड़ी दिखाते हैं। ये है जी रोल्स रॉयस डॉन, और डॉन के अंदर भी जो है ड्रॉप हेड है, सो कन्वर्टेबल। तो दुबई के मौसम में दिसंबर के अंदर बेहतरीन मौसम है इंजॉय करने के लिए। और इसकी जो बेहतरीन से फीचर हम आपको दिखाते हैं, एक तो इसके इन्वर्स डोर्स हैं, ये डोर जो है बटन से खुलता है, बटन से बंद होता है, तो ये भी आप देखेंगे ये बंद हो जाएगा। सो इट्स अ V12 6.2 लीटर, और 2016 का मॉडल है, कन्वर्टेबल है। छत जो है इस टाइम अगर खोलूँगा तो ऊपर लग जाएगी। तकरीबन रात को ये गाड़ी आई थी, और मैंने इसे आपको बताया कि ईजी हायर की ऐप पर जाएँ, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, अपना कार्ड अपलोड करें, और विद इन 30 मिनट्स गाड़ी जो है मेरे डोर स्टेप पर आ गई थी। फैक्ट अगर आप, हमने उनसे बात की थी पार्क व्हील्स के रेफरेंस से, अगर हमारा प्रोमो कोड यूज़ करके जाएंगे तो आपको सर्टन परसेंटेज ऑफ भी मिलेगी, बल्कि एक दिन शायद फ्री मिल जाएगी गाड़ी। तो वो जो कोड है और उसकी जो सारा लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। कोशिश करेंगे साथ साथ आपको इसका एक जो है ना फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो है, आपको इसकी जो सारी बातें वो बताते रहे कि हम गाड़ी के बारे में क्या फील करते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने में टाइम बड़ा कम लगता है, कम टाइम में होता है, सिर्फ आप एक जो बटन यहाँ पे ऑटो बटन है उससे कर देंगे, और जो इसके आगे जो लेडी है ना उसके ज़्यादा पैसे होते हैं वैसे तो, आपस की बात है रोज़ रोज़ के। सो दिस इज़ इट। इंटीरियर का कलर बड़ा प्यारा है, ऑरेंज सा लेदर है, और दिस इज़ नाउ कन्वर्टेड। और मैंने इसको रात को चलाया, बड़ा ही मज़ा आया है। ऐसे मज़े की वो है कि आपके अगर हवा भी है ना तो बाल आपके नहीं उड़ते, स्टिल यू एंजॉय इट। और बेहतरीन मौसम हमने इंजॉय किया, और अभी भी निकल रहे हैं। नहीं जी, तो फाइनली ये देखें, अब छत बंद कर लो, बहुत गर्मी है। ये बैठिए कर दो, बहुत गर्मी है दी। सामने वाली लेडी बाहर निकालने का बटन पता कौन सा? हाँ सब पता है। अच्छा, ये जब गाड़ी स्टार्ट होती है सबसे पहले आपने इसके जो एरर एक ओके करोगे, फिर आप सिस्टम एंटर होते हो, उसके बाद आप मेन्यू में जाओगे, स्पिरिट वो लिखा होगा, आंटी का कोई नाम भी है वैसे, ये आ गया ना, ये स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी, ये दिया, ये नीचे चली जाएगी अभी। लोअर ओए, इसको ऊपर करने से ऊपर के तो पैसे है ना, ये इसके ये निकलने के, ये गोल्ड का भी होता है। हाँ, मुझे पता है इसके बड़े पैसे हैं। पैसे हैं, हाँ। तो इसको अंदर बिठाना है तो कैसे बिठाना है? आपने उतरना पड़ेगा, मतलब उतरना नहीं पड़ेगा, आप दरवाजे को। ये इस गाड़ी का सबसे बड़ा मसला है ना, हो गया, मैं फंस गया हूं। हाँ, अच्छा, अब छत बंद में तो बिल्कुल ही मुश्किल बैठा है लड़का, कल तो बड़े आराम से बैठ गया था, छत खुली मैंने छलांग सी मार के आ जाता था। अच्छा, तो सुनील साहब कहाँ जा रहे हैं, क्या प्लान? हम जा रहे हैं अरगान साहब के एक दोस्त से मिलने, मोटर सिटी। ठीक है, और ये दुबई ऑटोड्रोम के पास है, दुबई ऑटोड्रोम में ही है। ओ यार ब्यूटीफुल। किधर से आप? पाकिस्तान में। किधर? पेशावर। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू भाई जी। सुन साहब कहाँ पे आ गए? दुबई ऑटोड्रोम ब्रो। अच्छा, यहाँ से राइट जाना है, राइट? राइट, हाँ। अंदर जाना, अंदर अंदर जाना। ये पहली रोज रोज आपको रोकेगा, इधर रोके, मुझे रोकेगा, हम उनको सलाम कर लेंगे। काश कैफे, यस बस, तो ये पहचानते हैं लोग मैंने देखा राइट। अच्छा, अंदर वहाँ पे आपको वीडियोस कैमरे अलाउड नहीं होंगे, तस्वीरें नहीं खींची, लेकिन वो गाड़ियाँ दुनिया में ही देखी होंगी आपने सर, कहीं लगा दो, दुनिया में नहीं देखी होंगी सर, दुनिया में नहीं देखी होंगी। तो मुझे इजी ले रहा है, बॉस में लिख के देता हूँ, लिख के देता हूँ,
ये 4x4 वाली दुनिया में तो मैंने सर दुनिया में आपने फिजिकली नहीं देखी होनी। यहाँ पे हमारे दोस्त अहमद साहब हैं, उनका एक कैफे है कार्स और उनकी कंपनी भी है कार्स के नाम से, तो आपको दिखाते हैं कि ऑटोडोम में क्या क्या हो रहा है। दुबई आने के मज़े हैं, दुबई आके रोज रोज जो है इन्जॉय कर रहे हैं। ये रोज रॉयस हमने कहाँ से लिया है ये हमने आपको पहले पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ये मेरी नहीं है भाई, रेंट की गाड़ी है, रेंट पे एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आए हैं अहमद भाई के पास और देखते हैं, आपको दिखाते हैं। ये पीछे दुबई ऑटोड्रोम है जहाँ पे लोग आके गाड़ियाँ चलाते हैं, भगाते हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट है आपको सारा बताते हैं जी, कैसे आप ठीक ठाक है? थैंक यू सर। तो ये जो है दुबई ऑटोड्रोम, ये क्या करता है, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली रेस ट्रैक है पूरा दुबई के अंदर उन्होंने बनाया हुआ सिटी पूरे। This is not formula certified. Formula certified is in Abu Dhabi. That is for Yas. But rest of the challenge car series or rest of the series के लिए ये track जो है very good enough. किसी ने भी अपने privately इसको book करना हो वो भी हो जाता है, half track भी हो जाता है, night time भी ये drive बहुत अच्छी है यहाँ पे। It's a very good and location as well. बिल्कुल ठीक है. You know, heart of Dubai है बिल्कुल. बिल्कुल heart of Dubai और सबके लिए like and इतने लोगों के पास यहाँ पे अच्छी-अच्छी गाड़ी है। तो लोग क्या करते हैं कि वो पुलिस ने और सब ने गवर्नमेंट ने यही प्लान किया है, सड़कों पे तमाशा नहीं करो, यहाँ पे आके चलाओ, जैसे मर्जी करो, जो मर्जी करो, एंजॉय करो, कंट्रोल एनवायरनमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के भी जो लोग देख रहे हैं और उनको बड़ा परेशानी होती है कि लोग सड़कों पे गाड़ी चलाते हैं, मैं विषय बताता हूँ कि सड़क का अल्टरनेट प्रोवाइड करना आपका काम है, उसके बाद अगर वो करें तो आप कहेंगे जी हमने आपको जगह दी हुई है वहाँ पे सेफ एनवायरनमेंट में कर लें। तो हम बाकी चीज़ें दुनिया से कॉपी कर रहे हैं और बड़ी स्पीड में कर रहे हैं, तो आई होप कि ये भी कोई ना कोई कॉपी कर लेगा। अच्छा, यहाँ पे एक तो ये है कि लोग अपनी गाड़ी ला के चला सकते हैं, उसके अलावा इस फैसिलिटी में कोई अपनी गाड़ियाँ इन्होंने अपनी फैसिलिटी की भी रखी है जैसे हमारे जैसे टूरिस्ट आके चला सके? बिल्कुल है, यहाँ पे इनके पास फिरारी चैलेंज भी है। सही है, 488 चैलेंज है इनके पास खड़ी, और इनके पास M4 है, BMW M4 भी चला सकते हैं। अगर किसी को वाकई फॉर्मूला 1 की चलानी तो इनके पास वो भी है, ठीक है, उसकी भी जो क्लासिक वर्जन है वो भी इनके पास है, वो भी चला सकते हैं। हाउ डज इट वर्क, आप यहां पे आते हैं अपना इंटरनेशनल लाइसेंस वगैरह इनको देंगे, चार्जेस देंगे? दें, चार्जेस दें और एनी पेपर आवर? पर आवर। सही है, यस सही है, ठीक है। अच्छा, एंड व्हाट इज योर कंपनी अबाउट यू, जो हम बैठे हैं कैफे कार्स कैफे जो है ये क्या है? ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा कार्स का बेसिकली स्टैंड फॉर क्लासिक ऑटोमोटिव रीलोकेशन सर्विसेज। अच्छा, हमने कहा इधर गांसा वाला भी कार है, वो वाला कार है नहीं, इट्स अ रीलोकेशन सर्विसेज, बेसिकली इट्स अ शिपिंग, और इसमें वर्ल्ड वाइड शिपिंग करते हैं हम, मेनली क्लासिक कार्स की करते थे। इट्स दिस कंपनी इज लाइक मेरा लाइक 30 इयर्स अगो। सही है। सो अभी इसको यहाँ पे 2017 में यहाँ पे मिडिल ईस्ट में शुरू किया, और पहले क्लासिक्स था, यहाँ पे हाइपर कार्स बहुत लोग पसंद करते हैं, तो जी जी जी। वो भी फिर पुश उसमें भी आया हमारा कि भाई हम वो भी काम करें, लेकिन क्लासिक को मेनली स्टार्ट क्लासिक से हुआ था, ठीक है। और अब यानी जितनी स्पेशलिटी नीश कार्स हैं उन सब की हैंडलिंग, शिपिंग एंड स्टोरेज आल्सो, मेरा ख्याल है स्टोरेज भी। आपने मुझे गाड़ियाँ दिखाई हैं, ऐसी ऐसी गाड़ियाँ दिखाई हैं कि मतलब मैं कहता हूँ कि कमाल हो गया है। ऐसे ही ऐसी गाड़ी थी कि जिसका नाम भी मेरा ख्याल है मैंने पहली बार ही सुना, और उनकी प्राइसेस देख के भी बंदे की ना आंखें दंग रही थी, और एक छत के नीचे मेरा ख्याल है इतनी ज़्यादा मैंने एग्जॉटिक्स कभी नहीं देखी। जी जी बिल्कुल। तो वो क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ये मेनली कि अब कस्टमर्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे वेदर इतना एक्सट्रीम है स्पेशली समर्स में, ये तो हम बड़े अच्छे वेदर में बैठे हैं, अभी तो बड़े अच्छे से बड़ा अच्छा मौसम है, लेकिन समर्स में यहाँ पे बैठ नहीं सकते, इतना गर्म होता है। तो उसमें ये गाड़ियाँ भी यूरोपियन कई स्पेक्स होती हैं, अमेरिकन स्पेक्स हैं, तो वो गाड़ियाँ इतनी हीट बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो उसमें ये है कि लोग गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, ह्यूमिडिटी कंट्रोल, अल्ट्रा वॉलेट रेज नहीं आती इसमें, तो उस हिसाब से ये बेस्ट रहता है, इन्वायरमेंट उसको देते हैं। बाकी हर एक गाड़ी ट्रिकल चार्ज पर लगी हुई है, और अभी तो गाड़ियाँ आपके सामने वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं और हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं, उनमें लिथियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरी होती है, तो वो उनको मेंटेन रखना पड़ता है। सही है। तो उसके लिए हमारे पास क्वालिफाइड स्टाफ है जो उनको उनकी टेक केयर करता है। सही है। सो एक तो होगी शिपिंग, एक होगी उन गाड़ियों की पूरी दुनिया में आगे पीछे लेके जाना, और उसके बाद स्टोरेज भी है। और यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं तकरीबन अभी? यहाँ पे हमारे पास इस वक्त इधर खड़ी है 85, बाकी हमारे पास 100 प्लस, 200 के करीब, 200 प्लस। तो मेरा ख्याल है इसको हम कह सकते हैं इट्स अ डे केयर सेंटर फॉर एग्जॉटिक कार्स, अगर मैं इसको शॉर्ट उसमें कहना चाहूँ। जी जी बिल्कुल ऐसी है। कि ये जो है कैफे, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? ये कैफे का कॉन्सेप्ट ये था कि इस एरिया में ये, क्योंकि आपने देखा होगा जब आप एंटर हो रहे थे, ये थोड़ा रिमोट एरिया है। सही है। एक किलोमीटर का जो एरिया है वो अंदर करके यहाँ पे नॉर्मली लोग नहीं आते, कईयों को तो पता भी नहीं है। सही है, सही। ये कैफे का कॉन्सेप्ट इसीलिए है कि यहाँ पे कुछ और था नहीं ऐसा सेटिंग का, तो ये एक ड्राइवर्स कैफे करके बनाया, इसका कॉन्सेप्ट दिया है कि यहाँ पे टीम्स आती हैं ट्रैक के ऊपर, तो उनको कहीं बाहर ना जाना पड़े, यहीं पे हो जाए। प्राइवेट इवेंट्स के लिए ये बुक होता है,
किसी की नई गाड़ी का लॉन्च है उसके लिए तो हमारा अंदर वीडियो शूट रूम भी समझ है। समझ गया तो और ये वैसे जो इसके ऑपरेटिंग आवर्स जो हैं या डेज को छुट्टी वाले दिन भी खुला होता है बंद होता है जी ये तो 8 to 8 खुला होता है सही है। सो अब हम अहमद भाई के साथ जा रहे हैं जरा एक राउंड लगाने। अहमद भाई ये गाड़ी आपकी डॉज रैम है जी? जी जी रैम है बिल्कुल। और क्या मॉडल है उसकी क्या डिटेल है? चीज आपको बताता हूं इसको अब डॉज रैम नहीं बोलते इसको खाली रैम बोलते हैं। अच्छा क्योंकि इन्होंने लोगो जो है अपना वो ये वाला खरीद लिया। अच्छा अब ये डॉज से सेपरेट हो गया। सेपरेट हो गया। वैसे आपको पता है कि लास्ट जो पाकिस्तान में थल रैली हुई है उसका विनर भी रैम है। रैम दो हाँ, दोस्त है तैमूर ख्वाजा और वो फर्स्ट आए हैं उनके पास रैम है। अच्छा। पहले भी रैम था अभी भी रैम है और मेरे ख्याल ये पाकिस्तान की पहली कोई ऐसी रैली है जो कि रैम जीता है वरना पाकिस्तान में ज्यादातर टोयोटा की जो है ना वो है हजारादारी। वैसे दुबई में भी टोयोटा सबसे ज्यादा मेरे ख्याल चलता है कि नहीं? नहीं सर आजकल रैम बहुत उठ रहा है। रैम का जो आगे TRX आया ना जी जी वो हमने TRX का भी रिव्यू किया था मेरा ख्याल है वो तो एक कमाली गाड़ी है लेकिन पैसे थे उसके वो अच्छा जी। यहाँ पे पुरानी से पुरानी और नई से नई क्या क्या कमाल गाड़ियाँ खड़ी जी। ये वर्कशॉप्स हैं यहाँ पे देखें ये बाइक्स की वर्कशॉप है ओल्ड टाइमर करके और ये भी बड़ी खूबसूरत खूबसूरत मशीन्स खड़ी हैं। वो ये क्या खड़ा था ये सिल्वर जो है ये फोर्ड GT यार मिनी हमर बड़ा अच्छा है। आपके हमर के पीछे आ जाएगा ये मेरे हमर के पीछे आ जाएगा लेकिन ये ओरिजिनल हमर ने बनाया और कब बनाया मैं परेशान हूँ। मैंने पहले नहीं देखा था एक दफा मैंने इंटरनेट पे देखा मैं फेक है। ये क्या चीज़ है भाई ये कोई खाने छाने का? ये सर इनका वो पोर्टेबल वो है अच्छा उनका कॉन्सेप्ट भी आपके से मिलता है। ये जो बाइक्स हैं ये सारी वो लोग हैं जो वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करने वाले होते हैं ना यहाँ पे टूरिंग दुबई से आते हैं तो यहाँ पे अपनी बाइक ठीक करा ली है कुछ अपग्रेड करा ली है। यहाँ से आपको ट्रैक नजर आ रहा है पूरा देखें। अच्छा नाउ यही मैं सुन रहा था ट्रैक किधर है। अच्छा ये है जी ट्रैक सही। और इस ट्रैक की टोटल लेंथ कितनी होगी सर? ये कोई है 2.5 किलोमीटर का लैप है पूरा जी। अच्छा ये भी वैसे आजकल बड़ा इन हुआ है यहाँ पे डिफेंडर जी बिल्कुल। ये कुछ दिन पहले तो ये कुछ ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है भी नहीं रहा जी इलेक्ट्रिक है ट्विजी। ये किसकी है ट्विजी? ये हमारी है बस ये ऑटोड्रोम के अंदर फिरने के लिए। अच्छा चलिए जी इमरान साहब चलें। चले सर इजाजत है सर। थैंक यू वेरी मच सर। नाइस मीटिंग इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। अब हम अपनी गाड़ी जब यहाँ पे लेके आएंगे जो कि वो है कैसे कहते हैं सरप्राइज है अभी बताना नहीं वो ये मैं गारंटी दे देता हूँ कि वो वन ऑफ इट्स काइंड होगी सर इन यूएई। इन यूएई ठीक है सर मुलाकात होती है। थैंक यू सर। थैंक यू अल्लाह हाफिज़ जी। सुन साहब फिर कहाँ की तैयारी कहाँ निकल रहे हैं? अपनी गाड़ी को छोड़ दिया आपने अब इसमें जा रहे हैं? मैं एक राउंड मार के देख रहा हूँ 2-to-1 दुबई में चला के और बाय टर्बो कैसी होती है। क्या हमारे पास बाय टर्बो नहीं हम गरीब लोग हैं पाकिस्तान में तो वो चला के देखने लगा। चलो चलते हैं आपके साथ आ जाओ आ जाओ। यहाँ पे कुछ स्पीड लिमिट तो नहीं है? नहीं 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 कुछ नहीं है रेडार कुछ नहीं सर। रेडार फ्री एरिया में लेके? हाँ जी हाँ जी। ये चीज मजा आ रहा है इसकी तो एक मतलब एक अपनी और मुझे इसकी एयरमैटिक है ना वो ऐसे लगता है कि आपको बिल्कुल हर टाइम पे लेवल कर रही है। अभी तो सर आपने इसको अभी स्पोर्ट मोड आपने एक्टिव नहीं किया सर ये आप कंफर्ट पे चला रहे हैं। अब मैं कर रहा हूँ स्पोर्ट एयरमैटिक। अब आप जो है इसका रिस्पॉन्स ही आपको थोड़ा या जी बिल्कुल चेंज होगा। अभी आप स्ट्रेट पे निकलेंगे ना तो आपको फील होगा। वाह या सुनील भाई वाह 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 बेहतरीन सर बेहतरीन। बहुत मजा आया था माशाल्लाह बहुत मजे की गाड़ी और एक इंजन में जो जान है ना वो बताती है कि गाड़ी वेल कैप्ट है वरना अगर गाड़ी अच्छी ना हो ना तो एकदम बैठ जाए सर वो आवाजें आने लगती हैं वाइब्रेशंस आने लगते हैं। मैं बता रहा हूँ मैंने जो 2-to-1 है बहुत ज्यादा चलाई भी रखी भी है वो गाड़ी का पहला टेस्ट होता है आप जब दबाते ना वो आपको बता देती है कि मैं किस हालत में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ी बेहतरीन थी। बहुत शुक्रिया सलमान भाई। Anyway, sir, pleasure, आपने मुझे एक बेहतरीन याद दे दी कि अब the great Sunil Manj has driven my car. Sir, thank you very much. इंशाल्लाह अगली बारी जब आएंगे दुबई तो फिर मुलाकात करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सुनील भाई आपका बहुत बहुत अल्लाह खुश रखे आपको। सर 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 आइए आइए जी। फिर ये सारा इनका शूट हो गया माशाल्लाह जी? बिल्कुल हो गया और अब हम जो है ना आज के दिन को कॉल ऑफ कर रहे हैं और अच्छा रहा आज का दिन काफ़ी लोगों से मिले कम्युनिटी मीट हुआ डिफरेंट गाड़ियाँ देखी लोगों ने जो तैयार की हुई थी और अब जो है शाम हो गई है तो हमने गाड़ी की छत खोल ली है। अब हम दुबई का दिसंबर जो है वो इन्जॉय करने जा रहे हैं और आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिस मिलता रहे। आप लोग से अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।